नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ विकेट सिक्स एम और विकेट सिक्स एम के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस बार मैं एक ट्यूटोरियल वीडियो लेकर आया हूँ जो कि एकदम बेसिक वीडियो है कि गियरलेस स्कूटर कैसे चलाते हैं। तो शुरुआत करते हैं, ये होंडा एक्टिवा है मेरे पास। होंडा एक्टिवा तो काफ़ी सिंपल ही है एक्चुअली, ये साइकिल विथ मोटर है, 150 सीसी है शायद इसका, और चलाने में भी काफ़ी सिंपल है, वेल बैलेंस्ड स्कूटर है ये, और एक्टिवा 3G मार्केट में फुल स्विंग में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये ऑब्वियसली ये सीट है, और अगर आप यहाँ पर देखें तो ये है ओडोमीटर, ये ओडोमीटर, और ये है स्पीड मीटर, यहाँ से आपको स्पीड दिखता है कितना है। ये है फ्यूल इंडिकेटर और रियर मिरर्स, और आपके लेफ्ट साइड में यहाँ पे है इग्निशन जिससे आप गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हो। तो इसमें एक्चुअली तो अब ये फ़िलहाल तो ऑफ पर है, तो मैं इसको स्टार्ट करूँगा। तो ये हो गया स्टार्ट, ठीक है। और इसके बाद में राइट हैंड साइड पर ये है एक्सेलरेटर, जिसको हम लोग रेस भी कहते हैं, और क्योंकि ये गियरलेस स्कूटर है तो इसमें कोई क्लच नाम की चीज़ नहीं है, सिर्फ ब्रेक्स है। और बेसिकली आप साइकिल सीख गए तो ये आपको बहुत ईजी होगा। तो उसके बाद में यह है राइट साइड में रेस के बगल में, यह है आगे का ब्रेक। इसको जब आप लर्निंग फेज़ में हो तो इसको कम से कम इस्तेमाल कीजिए, या फिर इस्तेमाल करने की आदत ही मत डालिए इसको। और अगर आप एक्सपीरियंस भी हो तो आप ध्यान रखिए कि कब जब आप टर्न लोगे तब आप इसका इस्तेमाल ना करें, ठीक है। तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा दूर रहे, ओके। उसके बाद में फिर लेफ्ट साइड पर यह है हैंडल, ये तो कुछ है नहीं यहाँ पर, और यह है लेफ्ट का ब्रेक, ठीक है। और जिस जो गियर वाली मोटरसाइकिल्स होती है उसमें नीचे ब्रेक होता है यहाँ पर, और यहाँ पर क्लच होता है, तो गियरलेस स्कूटर में ये ब्रेक हो जाएगा। तो दिस इज़ द ब्रेक, ठीक है, पीछे का ब्रेक है ये, रियर ब्रेक ये है। तो ये कंट्रोल्स एकदम इजी है इसके, किसी भी मोटरसाइकिल या बाइक में जो इंडिकेटर का सिग्नल होता है वो लेफ़्ट या राइट का यहाँ पर होता है, लेफ्ट साइड में। तो आप देख सकते हो कि ये लेफ़्ट का सिग्नल यहाँ पर है, अगर आपको लेफ़्ट मुड़ना होगा तो टर्न लेने से पहले आपको लेफ़्ट इंडिकेटर देना होगा। तो यह है लेफ़्ट इंडिकेटर, जब आप लेफ़्ट इंडिकेटर दोगे तो ये लेफ़्ट इंडिकेटर का लाइट ब्लिंक होना स्टार्ट हो जाएगा, ये देखिए, और आगे की तरफ भी। तो ये लेफ़्ट इंडिकेटर हो गया, जब आपने लेफ़्ट ले लिया तो बस इसको एक बार दबाइए तो ये वापस नॉर्मल हो जाएगा, और फिर राइट मुड़ना हो तो वापस से राइट ऐसे, और राइट का इंडिकेटर यहाँ पे लग गया है, यहाँ पर भी लग गया है, और यहाँ पर भी लग गया। तो इस तरह से ये इंडिकेटर आपको देना होगा मुड़ने से पहले, मुड़ने के बाद नहीं, ठीक है। यह है हॉर्न, और यह है लाइट आगे की, जो हेडलाइट्स है यहाँ पर, हेडलाइट है इसको, ठीक है। तो लाइट को चालू करिए, और अगर आपने लाइट नाइट में ड्राइव कर रहे हो, लाइट चालू किया और आपको अपर डिपर करना होगा, तो यह है अपर डिपर। तो ये हो गया बेसिक्स, तो इसके तो छोटे व्हील बेस है। और दूसरी बात, अगर आपको साइकिल आती हो तो आप बड़ी आसानी से सीख जाएंगे, क्योंकि ये जो पूरा स्कूटर का गेम होता है वो सिर्फ रेस पर होता है, बस इसको आपको मास्टर करना है। और क्योंकि आपको साइकिल आती है तो आप लेफ़्ट राइट मुड़ना भी जानते होगे, तो वही फंडा आपको यहाँ पर इस्तेमाल करना है। अगर आपको साइकिल नहीं आती तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप साइकिल सीख ले, लेकिन आज के ज़माने में ऐसे कोई सीखता नहीं है, क्योंकि बच्चे डायरेक्ट अभी स्कूटर चलाने लग गए हैं। तो इसीलिए आप अगर आपको सीखना होगा विदाउट साइकिल, तो आप पहले बैठिए, किसी को अपने पीछे बिठाइए जिसको अच्छे से स्कूटर आती हो, और फिर बाद में आप सीखना स्टार्ट करें। इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको चार चीज़ें कैरी करनी होगी आपके साथ, जब कभी भी आप राइड या ड्राइव करोगे। राइड करते वक्त आपको हेलमेट की ज़रूरत होगी, ये मेरा वेगा का हेलमेट है, अगर आपको इसका, ये मैंने बहुत रिसर्च करके लिया है, और अगर आपको इसका रिव्यू चाहिए तो ये मैं इस वीडियो के एंड में डाल दूंगा, ठीक है, कि ये मैंने क्यों सेलेक्ट किया। तो एक हेलमेट आपके पास स्टेट के लॉ के हिसाब से, और यहाँ मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ, मुंबई में रहता हूँ, तो यहाँ पर POC कैरी करना ज़रूरी है। उसके बाद में आपको ड्राइविंग लाइसेंस कैरी करना ज़रूरी है, और आपके इंश्योरेंस के पेपर्स, तो ये चार चीज़ आपको ज़रूरी है अगर आप
दो लोग ट्रैवल कर रहे हो बाइक पर तो आपको दो हेलमेट लाना ज़रूरी है। तो स्टार्ट करने के लिए आपको बस ये करना है कि इसको ऑन कर दीजिए, तो ये ऑन हो गया और आप अब स्टार्ट कर सकते हो। तो आप देखिए, अगर आप ये सेल्फ इग्निशन दोगे तो ये स्टार्ट नहीं होगा। ये देखिए, इसको स्टार्ट करने के लिए आपको पहले ये लेफ़्ट का ब्रेक दबाना है और फिर धीरे से इसको स्टार्ट करना है। अब ध्यान रखिए, ज़ोर से इसको ज़ोर से रेस ना दे, इसको बस थोड़ा सा रेस दे। तो देखिए, ये स्टार्ट हो गया है और अभी स्कूटर ये स्टार्ट हो गई है। ओके, तो सब कुछ अब सेट हो गया है। अब देखिए कि अब हम स्टार्ट करेंगे चलाना इसे। रेस, ये रेस है और सिर्फ आपको रेस पे कंट्रोल रखना है और हैंडल पे। तो शुरुआत में आपका हैंडल है वो थोड़ा सा वॉबल होगा ऐसे ऐसे करके, क्योंकि आप नए ड्राइवर हो इसलिए, लेकिन जैसे जैसे समय बीत जाएगा तो आप इसके हैंडल पे भी कंट्रोल पा लोगे। और सीखते वक्त आप ध्यान रखिए कि आप अपने पैर को नीचे ही रखिए, ताकि अगर कुछ गाड़ी वॉबल होती है तो फिर आपको कंट्रोल करने में आसानी होगी। जब आप अच्छे से कॉन्फिडेंटली हो जाओगे तो फिर इसको ऊपर ऐसे रख देना दोनों पाँव को, ठीक है। तो चलते हैं, लेट्स स्टार्ट। धीरे धीरे से रेस देना है, ये लेफ्ट ब्रेक राइट ब्रेक रेस, एकदम हल्के से रेस देना। तो जब आप धीरे धीरे से रेस देना स्टार्ट करोगे तो गाड़ी मूव होना स्टार्ट हो जाएगी। तो देखिए अब ये मूव होना स्टार्ट हो गया है। आपको जब ये गाड़ी मूव होगी तो आपको धीरे धीरे से ही चलना है, ज़्यादा घाई ना करें, इतने स्पीड पे चले। धीरे धीरे से, और आपको एक थोड़ी सी अंदाज़ आ जाएगी। और गलती से भी याद रखना कि ये जो रेस है इसको ज़ोर से प्रेस नहीं करना। अगर आपने ज़ोर से प्रेस कर दिया तो देखिए क्या होता है, ऐसे ऐसे होता है। तो आप जब भी फर्स्ट अटेम्प्ट में, आप इसका बहुत ख्याल रखिए कि आप रेस के कंट्रोल को ना खो दें। आप रेस के कंट्रोल को खोदोगे तो ऐसा होगा, अरे क्या ऐसा ऐसा। तो इसीलिए ध्यान से एक जैसा रेस, इसलिए पैर नीचे रखना और धीरे से चलते जाओ। इस स्पीड पे चलना। अभी देखिए, मेरे पैर ज़मीन को टच है और मैं अपने पैर के साथ इसको चला रहा हूँ धीरे से एकदम। इसी स्पीड पे चलना जब तक आपका हैंडल बैलेंस ना हो जाए, ठीक है। तो हम चलेंगे धीरे धीरे से, और ये जो फेज़ होता है बहुत क्रिटिकल होता है। ये क्रिटिकल फेज़ सीखने के लिए ही काफ़ी टाइम लगता है लोगों को, और इसमें एक आध बार लोग गिर भी जाते हैं। तो आप थोड़ा सा संभाल के रखना इसको। और अभी हम लोग चल रहे हैं आराम से, बिना कोई घाई किए, आप देख सकते हो। धीरे धीरे से हम स्पीड बढ़ाएंगे और जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो बस पैर को ऊपर ले लेना। तो अभी एक हमारी स्कूटी चल रही है आराम से, बिना कोई घाई किए। और अभी रोकना है, तो रोकते वक्त आप ध्यान रखिए कि आपके पैर नीचे आने चाहिए बाहर, और रेस को धीरे से पीछे कर देना, कम कर देना, और गाड़ी खुद ब खुद रुक जाएगी। और अब आप ब्रेक मार देना, ठीक है। गाड़ी कंट्रोल करने के लिए फिर एक बार रेस और ब्रेक। देखिए रुक गई जगह पर, और आपको पीछे का ब्रेक ही मारना है स्टार्टिंग में, आगे का ब्रेक नहीं मारना। तो वापस रेस, और ये देखिए रोक दिया मैंने इसको। तो अभी हम टर्न ले लेते हैं और हम धीरे धीरे से बाइक को चलाते हैं। बेसिकली इतना ही है बस इसमें, ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है। और अब ध्यान रखिए कि आप क्या कर रहे हो, क्योंकि ये ज़िंदगी और मौत का मामला भी हो सकता है। तो पैर ऊपर चलेंगे आराम से, आपको किसी चीज़ की घाई नहीं होनी चाहिए, बस धीरे धीरे से चलाना बाइक को। यही है इसके बारे में, और आगे जाके हमको रोकना है बाइक, जो मेरे बाइक है वहाँ पर। तो हम लोग उसको साइड में लेकर रोक देंगे, दोनों ब्रेक दबाकर रोक दिया मैंने इसको। तो ऐसे ही इस तरह से आप चलाते हो स्कूटर,
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। बाय बाय। तो जैसे कि मैंने पहले बताया था आपको कि ये मेरा हेलमेट है, और ये वेगा का हेलमेट मैंने फ्लिपकार्ट से लिया था। इट कॉस्ट मी अराउंड 1700 रुपीज़, और इसको मैंने बहुत रिसर्च करके लिया था। करीब करीब 15 दिन मैंने रिसर्च किया इस पर, फिर बाद में मैंने ये फाइनलाइज़ किया वेगा का, क्योंकि वेगा एक वेल नोन ब्रांड है और इसकी जो सीरीज़ है बुलिन करके वो बहुत वेल एस्टेब्लिश्ड है मार्केट में। और ये ISI मार्क्ड हेलमेट है, और देखिए आप पीछे देख सकते हो कि इसको ISI मार्क भी है। तो इट हैज़ बिन टेस्ट। तो इसकी फीचर्स मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें सबसे पहले तो ये एक विंडशील्ड है, वो तो सभी में होती है, लेकिन ये बहुत हाफ, अभी ये देख सकते हैं कि ये फुल फेस है, लेकिन ये हाफ फेस भी इसको कर सकते हैं। तो उसको करने के लिए सिर्फ आपको यहाँ पर एक बटन है, उसको प्रेस करना है और ये इस तरह से हो जाएगा पकड़। तो ये देखिए यहाँ पर बटन है, इसको प्रेस कीजिए और बस ये हो गया आपका हाफ फेस हेलमेट। और अगर वापस आपको नीचे करना है तो ये हो गया आपका फुल फेस हेलमेट। तो ये वेगा का बुलिन है, आप इसको बहुत एज अ फुल फेस और एज अ हाफ फेस भी यूज़ कर सकते हो, जब आपको जैसे ज़रूरत पड़े वैसे। तो अभी ये एक फ़ीचर हो गया। इसके बाद यहाँ पर ऊपर में एक, यहाँ से आपकी एयर सर्कुलेशन के लिए भी जगह है, इसको आप बंद भी कर सकते हो, ओपन भी कर सकते हो, और ये राइट साइड में भी है। तो दोनों साइड पे एयर वेंटिलेशन के लिए जगह दी है यहाँ पर। और अगर आप धूप में ट्रैवल कर रहे हो और आपको गॉगल्स की ज़रूरत है तो आप गॉगल्स की ज़रूरत है तो इसमें एक इनबिल्ट गॉगल भी है, आप इसमें इनबिल्ट गॉगल भी दिखा सकते हो। यहाँ पर एक क्लिप है जिसको नीचे करते ही ये नीचे आ जाएगा, देखिए। और ये जो गॉगल जो है वो 100% UV प्रोटेक्शन है, ये आप उनके फीचर्स में भी चेक कर सकते हो। तो ये हो गया, अब हम इसको ऊपर ले लेते हैं। तो वापस अगर नीचे करना हो तो बस इसको ऐसे नीचे, और ये हो गया ऊपर, ठीक है। और अंदर से इसका कुशन भी काफ़ी अच्छा है, डबल लेयर्ड है, अच्छी पैडिंग है पूरी तरह से, और यहाँ नीचे थर्मोकोल का एक लेयर भी है। तो इसलिए मैंने ये सेलेक्ट किया था। और अगर आपको ये अच्छा लगे तो इसकी लिंक मैंने एक्चुअली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है और कमेंट बॉक्स में भी दे दी है, ठीक है। तो ये हो गया हेलमेट के बारे में। और ये जो ऊपर आप देख रहे हैं ये एक्चुअली जो GoPro मेरा कैमरा है उसको लगाने के लिए मैंने ऊपर लगाया है, ये बाय डिफ़ॉल्ट इसके साथ नहीं आता,